2.4 की तरफ और चलते हैं अपने फ्री चेयर की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। अमीना सिंह का नंबर, अमीना सिंह का नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना क्या करती है, एक नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 को क्या करती है, वो सब्ट्रैक्ट करती है। सी मल्टीप्लाइज इट बाय रिजल्ट 8 और जो रिजल्ट उसको मिला उसको 8 से क्या करती है, मल्टीप्लाई। अमीना थिंक द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना को एक नंबर सोचती है और उसको सब्ट्रैक्ट करती है 5/2 में से। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8 और वो अपने इस रिजल्ट को क्या करती है, 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इन 3 टाइम्स, यानी जो उसको रिजल्ट मिला, जो उसको रिजल्ट मिला इस 3 टाइम्स द सेम नंबर, जो उस नंबर उसने सोचा था उसी नंबर का हो गया था अपना 3 टाइम्स था। अमीना ने को क्या किया, एक नंबर सोचा और उसको क्या किया, 5/2 में से सब्ट्रैक्ट किया। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8 और उसने उस रिजल्ट को क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया और उस प्रकार जो उसको रिजल्ट मिला वो क्या था, 3 टाइम्स द सेम नंबर। सी थॉट ऑफ, जैसा कि उसने सोचा था उस नंबर का क्या था, वो 3 टाइम्स था। चलो बोर्ड की तरफ देखते हैं इसको। अमीना ने क्या सोचा, x, तो लिखा लेट अमीना थॉट नंबर बी x। अमीना ने एक नंबर सोच लिया, नंबर क्या था उसके पास, x था। ठीक है, अब क्या कह रहा क्वेश्चन, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8 और इसमें से 5/2 को क्या कर दिया उसने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इस नंबर में से उसने 5/2 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x माइनस 5/2 मिल गया हमें। चलो आगे उसने क्या कहा, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट क्या मिला उसको, x माइनस 5/2, उसको क्या करती है, मल्टीप्लाई कर देती है किससे, 8 से। अमीना थॉट अ नंबर, तो नंबर क्या सोचा उसने, x सोचा उसने और क्या कहा कि उसने उस x में से 5/2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5/2 क्या किया उसने, सब्ट्रैक्ट किया, उसको 8 से क्या किया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते उसके पास जो रिजल्ट मिला आफ्टर मल्टीप्लाई, सी गॉट अ रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिला उसको, कि रिजल्ट उसके पास जो था वो रिजल्ट, जो नंबर उसने सोचा था, जो नंबर उसने सोचा था, सोचा कितना था उसने, एक्स सोचा था, उसका 3 टाइम्स मिलता है, यानी किसके इक्वल आ जाएगा अपना, 3x के इक्वल। क्लियर है बात, करें सॉल्व इसको। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लिया हमने एलसीएम, मिला मुझे 2, इसके अकाउंट में कुछ नहीं, इट मीन 1, तो ये हुआ 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 3x। देखो 2 1 2 2 4 8, 4 करेगा मल्टीप्लाई 4, 2 8x, 4 5 20 इज इक्वल्स टू 3x। ऑन ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन करके हमें क्या मिलेगा कि 3x का ट्रांसफर आगे और 20 का ट्रांसफर पीछे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में और कॉन्स्टेंट वैल्यू राइट साइड में। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 5x इज इक्वल्स टू 20, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 20/5, therefore x is equals to 4, यानी उसने क्या नंबर सोचा था, 4, क्या नंबर सोचा था उसने, 4 नंबर सोचा था। ले लो बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट स्ट्राइक, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम, अ
अ पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स द अनदर नंबर. अ पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स अनदर नंबर, यानी कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो किसी दूसरे नंबर का क्या है, फाइव टाइम्स है. तो हम फर्स्ट कंपेयर किससे कर रहे हैं, सेकंड नंबर से. किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग उसको, सेकंड नंबर से कंपेयर कर रहे हैं. तो फर्स्ट लेट किसको करेंगे हम लोग, सेकंड नंबर को. किसको कंपेयर करेंगे, अनदर नंबर जो है ना उसी को लेट करेंगे पहले. क्यों, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो था वो फाइव टाइम्स है, किसका है, अनदर नंबर का है. तो हमने क्या देखा कि हमारे पास अनदर नंबर था एक, उस अनदर नंबर से कंपेयर किया, कितने टाइम बनाया उसको मैंने, 5x टाइम. आगे क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है देखो, इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, यानी अनदर नंबर और पॉजिटिव नंबर, अनदर नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया, 21 ऐड कर दिया. देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो जो नंबर बनेंगे वो क्या होंगे, एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस होगा. चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ. ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्या था, अ पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स अनदर नंबर. किसका नंबर था, अनदर नंबर का. तो लिखा लेट अनदर नंबर बी एक्स एंड पॉजिटिव नंबर बी फाइव टाइम्स. ये कहा था कि पॉजिटिव नंबर जो था वो फाइव टाइम्स है, किसका, दूसरे किसी नंबर का. तो दूसरा नंबर अनदर नंबर कह दो या अदर नंबर कह दो, बात एक ही है मेरी, उसको मैंने एक्स प्लेट किया और पॉजिटिव नंबर जो था मेरा उसको मैंने फाइव एक्स कर दिया, क्योंकि उसने मैं क्या कहा था, उसका फाइव टाइम्स है. क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर और अदर नंबर दोनों में 21 ऐड कर दूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस भी 21 हो जाएगा मेरा, और 5x में भी 21 ऐड हो जाएगा, तो 5x प्लस 21 बनेगा. अगर क्या किया जाए, दोनों पार्ट में अदर नंबर में और पॉजिटिव नंबर दोनों में 21 को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर ले, तो 21 ऐड करते क्या बनेगा, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, कि दूसरा जो नंबर है उसका टू टाइम्स हो जाता है, दूसरे नंबर का क्या हो जाता है, वो टू टाइम्स हो जाता है. कौन हो जाता है, पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर तो कौन था अपना, 5x वाला बार था, ये क्या हो चुका है, टू टाइम्स हो चुका है, यानी आपके पास मेरे से डबल पैसे हो चुके हैं. अब मेरे पास पैसे डबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो मैं आपके इक्वल हो पाऊंगा, है ना. जैसे मान लिया मेरे पास 10 था और आपके पास 10 का डबल था, यानी 2 पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, बात एक ही है. तो चलो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पॉजिटिव नंबर जो था वो पहले से ही ऑलरेडी 2 टाइम्स था. हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर जो था हमारा, जो हमने अनदर नंबर सोचा था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. करे सॉल्व इसको, सिंपल काम हो गया ना, 2 ने x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 ने इससे किया 42 is equals to 5x plus 21. करेक्ट ट्रांसपोजिशन, चलो तो आया 2x minus 5x is equals to 21 minus 42. It means minus 3x is equals to minus 21. माइनस टू माइनस कैंसिल, 7 3 21, एक्स इक्वल टू क्या लेट किया था मैंने, 7. क्या लेट किया था, एक्स इक्वल टू मैंने 7. इसका मतलब मेरा अदर नंबर क्या था, 7. तो अनदर कह दो अदर कह दो, बात एक ही है, अनदर नंबर इक्वल टू 7 और पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर जो बना था वो था 5 × 7, 7 × 5 = 35. ठीक है, और चेक करें आगे क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा दोनों में 21 ऐड किया, तो x में 21 यानी 7 में 21 ऐड किया, देखो तो 7 + 21 उधर 5x कितना था 35, उसमें भी 21 ऐड किया, ये ऐड करते हुआ 28 और ये ऐड करते हुआ 56,
ये देखो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 56 बनता है। ये तो कहा था इसने हमें इसका एक नंबर दूसरे का क्या है डबल है। चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रीन शेयर के थ्रू। फटाफट ले लो शॉट। चलो चलते मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को समझने में क्योंकि आपके लेवल से बहुत ऊपर की बात है ये, और आपके लिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसका, इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, इसके साथ क्या हो रहा है ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है टू नंबर डिजिट के साथ। अब तक हमने टू डिजिट के नंबर बहुत सारे देखे हुए हैं कि टू डिजिट नंबर में एक नंबर वंस होता है और दूसरा नंबर अपना टेंथ होता है ना। चलो उसी के बारे में बात करते हैं। ये लिखा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, कि कोई भी टू डिजिट का नंबर है उन दोनों डिजिट को अगर आपस में ऐड करूं तो 9 बनता है। मान लिया 36 दे दिया मैंने, तो 36 में 3 और 6 दोनों मिलेंगे तो कितना बनेगा 9 बनेगा। ठीक है, अगर मैं 63 दे देता हूं तो भी 9 बनता है, 45 दे देता हूं तो भी 9 बनता है, 27 देता हूं तो भी 9 बनता है। नहीं, अभी हमने ये क्लियर नहीं किया है कि हमारा वो टू डिजिट का नंबर कौन सा है। ठीक है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम लोग क्या कर देते हैं इनकी डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं यानी बदल देते हैं, यानी वंस की जगह पर टेंथ लगा दिया और टेंथ की जगह पर मैंने क्या लगा दिया वंस लगा दिया। अगर ऐसा मैं कर देता हूं तो रिजल्ट मिला मुझे क्या, एक नया नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे मान ली 27 लिया मैंने तो 27 को उल्टा करते क्या बन जाएगा 72, अगर 36 किया तो 36 को उल्टा यानी इन्वर्स करते मुझे क्या हो जाएगा 36 का 63 बन जाएगा। क्लियर है, 45 का 54 बन जाएगा। वही बात बता रहा है ये कि अगर मैं डिजिट को चेंज कर दूं तो रिजल्ट के रूप में मुझे जो नया नंबर मिल रहा है वो नया नंबर मेरे ग्रेटर देन होगा यानी बड़ा होगा, कितने बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर से यानी जो हमें स्टार्ट में दे रखा था। चलो मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था मैं, एक टू डिजिट का नंबर है और टू डिजिट के नंबर का सम कितना दिया 9, टू डिजिट के नंबर का क्या दिया मुझे सम। तो देखो टू डिजिट नंबर क्या होगा अपने पास 1 और ये होगा अपना 10। इस बात को ध्यान रखना मैं इधर जो लिख रहा हूं अभी समझेंगे इस चीज को क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो लेट वंस बी एक्स यानी वंस डिजिट को मैंने क्या लेट कर लिया एक्स लेट कर लिया। तो टेंथ की बात करूं तो टेंथ डिजिट भी तो मैंने क्या कहा आपको कि वंस और टेंथ दोनों मिलकर 9 बनते हैं यानी इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करूं तो 9 बनता है। इसको मैंने एक्स ले लिया, वंस को मैंने क्या ले लिया एक्स ले लिया, ओवरऑल सम कितना था 9। तो अगर मैं 9 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 9 में से x को क्या करते हैं अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास टेंथ वाली डिजिट मिल जाती है। ठीक है, तो ये लो टेंथ की जगह पे मैंने लिख दिया 9 माइनस एक्स। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो हैंड रेज कर दो फटाफट ताकि मैंने स्टेप के पास पहुंचू। इस क्वेश्चन का ये पार्ट अगर क्लियर है कि मैंने वंस क्या लिखा टेंथ क्या लिखा। ओके चलो मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, वो थोड़ा सा लेवल हाई करते हुए है। सो रिक्वायर्ड कह दो या ओरिजिनल नंबर कह दो वो क्या बनेगा वो मेन बात रखती है ना। देखो वंस का मतलब क्या होता है सिंगल डिजिट नंबर, वंस का मतलब क्या है सिंगल डिजिट नंबर। टेंथ का मतलब जिसके साथ टेंथ जुड़ा हुआ है यानी जो टेंथ से मल्टीप्लाई करके लाया हुआ है, टेंथ डिजिट वो होगी जिसको हम टेंथ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हंड्रेड डिजिट वो होगी हंड्रेड वाला नंबर वो होगा जिसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थाउजेंड वाला कॉलम वो होगा जिसको हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो देखो मैंने वंस लिखा, वंस का मतलब सिर्फ मुझे वन से मल्टीप्लाई करनी होती है। टेंथ, टेंथ का मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है टेंथ से,
किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 10 से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन होगी और ये मेरी एक्चुअल पोजीशन हो रही है। एक्चुअल में ये एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको तो सिर्फ हम लोग एक्स ही लिख देते हैं, कोई माता पति ज्यादा है ही नहीं इसके साथ, मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन ये बात किसकी कर रही है, टेंथ के लिए बात कर रहा है। तो टेंथ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी है, 10 की। टेंथ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कैसी है, 10 की। क्लियर है? चलो तो ये 9 माइनस एक्स तो था हमारे पास में, ये किससे मल्टीप्लाई कर लेगा, 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेगा, 10 से। इस कंडीशन में हमारा रिक्वायर्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर जो है वो बनेगा 10, 9 माइनस एक्स और ये प्लस है। आई बात समझ में? ये x जो था वो तो बना अपना 1 और ये 10 9 माइनस एक्स जो था वो बन गया मेरा 10। x तो बना मेरा 1, 10 9 माइनस एक्स जो था वो बन गया मेरा क्या, क्या बना, 10 की पोजीशन में था, इसका मतलब 10 बन चुका है। क्लियर है? मेन बात यही समझने की थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था हमें कि अगर इसके डिजिट के प्लेस बदल दिए जाए, डिजिट के प्लेस क्या कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, यानी वंस की जगह पर टेंस को बिठा दो और टेंस की जगह पर वंस को बिठा दो, तो क्या होगा, वंस की जगह टेंस और अगर टेंस की जगह पर मैं क्या करूं, वंस बिठाऊं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन मुझे क्या कहता है कि अगर इनकी डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो पहले तो ओरिजिनल नंबर लिखा, देखो मैंने 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया मेरा। इंटरचेंज करें यानी वंस की जगह टेंस आएगा, टेंस की जगह वंस आएगा, तो देखो वंस कौन था अपना एक्स और टेंस कौन था अपना 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स और एक्स बदलेंगे, ये 10 अपनी जगह पे बैठा रहेगा, 10 अपनी जगह पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि वो तो 10 की पोजीशन पे है, यानी 10 हिलेगा नहीं, केवल डिजिट बदल जाएंगे, केवल क्या बदलेंगे, डिजिट। जैसे देखो मैंने लिखा 7272 लिखा, ठीक है, तो 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 70+2 ये लिखते हैं हम लोग, और इस 70 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 7×10+2, बात तो वही है मेरी। अब अगर 72 को मैं चेंज करता और 27 बना देता, 27 में क्या होता है, ये 20+7 होता और ये 20 को 2×10 लिखता मैं, ये बात करते, या क्या 10 बदला नहीं, 10 7 के साथ चला गया, क्या 10 7 के साथ साथ चला गया, क्या नहीं गया ना, इसका मतलब ये 10 तो अपनी जगह पे फिक्स है, केवल मूव कौन करेगी, डिजिट। तो ये क्या कह रहे हैं हमें कि अगर मैं इसके डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दूं, क्या कर दूं, आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी वंस की जगह पर टेंस और टेंस की जगह पे वंस पहुंचा दूं, तो चलो ये 10 का 10 रह गया, ये वंस यानी एक्स इसके पास आ गया और वो पीछे चला गया। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, मेरा ओरिजिनल नंबर The found the result, the new number is greater than, नया नंबर तो ये मिला, नया नंबर जो है is greater than the original number, नया नंबर original number, तो original number ये रहा, नया नंबर मेरा ये रहा, नया नंबर original number से 27 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, नया नंबर, कौन ज्यादा है, नया नंबर ज्यादा है, बात क्लियर है, तो नया नंबर तो ये रहा, यानी इसके पास 27 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो या तो उसमें से 27 में क्या कर दूं, माइनस कर दूं, या पहले वाले में ऐड कर दूं, बात एक ही है भाई, मेरे पास आपसे 27 रुपए ज्यादा है, या तो मैं आपको 27 रुपए दे दूं, ठीक है, यानी ऐड कर दूं, या मेरे में से 27 रुपए कम कर दो, सभी बराबर हो सकते हैं हम लोग, क्लियर है, चलो करते हैं सॉल्व। 9 ने 10 से किया 9, 10 जा 90, 9 ने x से किया 9x प्लस का x, 10x का 10x प्लस 9
माइनस एक्स माइनस 27 करेक्ट आज पोजीशन इसका। चलो 9 में से 1 लेस हो गया, बच गया माइनस का 8 है। क्लियर है बात। 10x में से 1x चला गया, बच गया 9x, और 9x का ट्रांसफर होते ही बन गया, एक स्टेप कम नहीं करेंगे और चलो बढ़ा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा जरा, है ना। 10 में से 1 चला गया, यहाँ बचा 9x, और 9 में से 27 चला, बचा माइनस का 18। ठीक है, अब करें ट्रांसपोजिशन। सब दिख रहा है यहाँ कमल, ट्रांसपोजिशन करते हैं, माइनस का 8x माइनस का 9x, ये माइनस का 18 और ये माइनस का 19। इस लास्ट पार्ट को हम यहां सॉल्व करते हैं, 9 और 8 हो गया आपके 17, x इज इक्वल टू माइनस का 108। चलो लो फटाफट लो स्क्रीनशॉट इसके एक करते हैं। तो नीचे दिखेगा नहीं और मुझे बताया आपको। बड़े आगे ऊपर से इसको रब कर रहा हूं, देखो मैं यहां टेन नाइन जा 90, सॉरी 10 ने एक्स से किया 10x, ये 10x 9 माइनस एक्स माइनस 27, 10x में से 1x लेस किया, बचा अपने पास माइनस का 9x, यहाँ हो गया 9x माइनस 18, ये हो गया आपके 9 और 9, 18x इज इक्वल टू 108, देन x इक्वल टू माइनस टू माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, देन x इक्वल टू 6, x क्या मिला मुझे 6, सो वंस कौन बना, वंस डिजिट अपनी वो x के इक्वल दी यानी 6 बन गई, टेंथ डिजिट यानी 9 माइनस x था अपने पास, इट मीन 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 मिला, तो रिक्वायर्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू ये x और ये 3, 36। ठीक है, फटाफट नोट करो उसको, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब वो स्टार्टिंग खराब होगी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी टाइप है लगभग। ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको, क्योंकि टू डिजिट वाला कॉलम तो अपना वही काम करेगा, तो यहां दे रहे थे करते हैं स्क्रीन शेयर और क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं हमें वन ऑफ द टू डिजिट नंबर, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर, यानी कोई टू डिजिट का नंबर है उनमें से कोई एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है, वन नंबर सेकंड नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर तुम डिजिट को आपस में क्या बदल दो चेंज कर दो तो क्या होगा, और उसमें आपस में पहले से क्या कर दो उसको एड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, रिजल्टिंग नंबर यानी इंटरचेंज करने के बाद और इंटरचेंज करने से पहले दोनों नंबर को आपस में क्या करो ऐड करो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 88। चलो मूव करते हैं, देखो
क्या कह रहा है, मैं टू डिजिट का नंबर है, तो टू डिजिट में क्या होगा, एक तो वंस होगा और एक टेंस होगा, एक वंस होगा और एक क्या होगा अपना टेंस होगा। वो कह रहा है अगर मैं वंस को एस ले लेता हूं तो मेरा सेकंड नंबर जो है वो उसका थ्री टाइम है, वो उसका क्या होगा थ्री टाइम होगा। तो ये वंस मिल गया, ये टेंस, टेंस के लिए मैंने क्या कहा था आपको, टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्रीवियस क्वेश्चन में और इसको वन से करना पड़ता है, ये तो वन से करते तो वन एक्स होगा और ये टेन इससे मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा मेरा टेन इंटू थ्री एक्स। ठीक है चलो, सो लेट वंस डिजिट बी एक्स, टेंथ डिजिट बी थ्री एक्स, क्योंकि थ्री टाइम का कहा था उसने, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा टेन, ये थ्री है और ये प्लस है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थ्री जा थर्टी है प्लस एक्स, इट मीन 31 है। बात क्लियर है, यानी मेरा रिक्वायर्ड नंबर यानी ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 31 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर बनेगा हमारे पास, तो न्यू नंबर की बात करूं अगर मैं, तो न्यू नंबर में क्या कहा था कि अगर डिजिट को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज करने कर दे चेंज, तो देखो टेन का तो टेन रहेगा, एक्स यहाँ जाएगा और पीछे चला जाएगा अपना थ्री है, तो ये ओवरऑल मिलके बनता है अपना 13 है। अब क्वेश्चन है क्या कहा कि हमारा ओरिजिनल नंबर और ये जो न्यू नंबर आया था इन दोनों को अगर आपस में एड कर दिया जाए, तो अगेन अगर मैं दोनों को आपस में क्या कर दू एड कर दू, तो दोनों को एड करके मुझे कितना मिलता है 88, इट मीन 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88। हमारा क्वेश्चन भी ये कह रहा था इफ ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर एड टुगेदर, दोनों को एड कर दिया जाए तो एड करते हुए किसके इक्वल बन जाता है अपना 88 के इक्वल, तो कर दिया देखो एड मैंने, 31 और 13 मिलके बन गया अपना 44x इज इक्वल टू 88, देयरफॉर x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44, इट गिव्स x इज इक्वल टू 2, x कितना मिला मुझे 2 मिला, तो वन डिजिट कौन मिली मुझे 2 और 10 पर क्या आएगा 3 2 6, सो वन डिजिट इज इक्वल टू 2, टेंथ डिजिट इज इक्वल टू 3 2 2 3 2 6 और ओरिजिनल नंबर ये अपना देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 यानी 60 प्लस 2 इट गिव्स 62, दिख रहे। तो यहां से मेरे हिसाब से आपको बात समझ आई कि हमने टोटल 2 नंबर यानी 2 डिजिट का जो नंबर था उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आज के टोटल 4 क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो एक फटाफट एड्रेस कर दूं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया दो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको।